क्लास सिक्स। अच्छा, अभी क्या हिंदी और सब सब्जेक्ट का तो होमवर्क जा ही रहा होगा, मिल ही रहा होगा, पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके पहले वाला चैप्टर में क्लास सिक्स मैंने शायद पर निंदा करवाया था। आज मैं जो चैप्टर करवाने जा रहा हूँ वह है परीक्षा। परीक्षा माने एग्जामिनेशन। मैं इस चैप्टर को पढ़कर समझा दे रहा हूँ। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की, दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, अब कुछ दिन परमात्मा की सेवा करने का आज्ञा चाहता है। दूसरे अब अवस्था भी ढल गई, राज काल संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान पर बड़ा आदर करते थे, उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनका प्रार्थना स्वीकार कर ली। पर शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। यानी दीवान साहब उम्र हो गया था, वे राजा से, देवगढ़ के राजा से बोले कि आप मुझे निकल छुट्टी दीजिए, 40 साल मैंने नौकरी कर लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा है। पहले तो राजा साहब नहीं माने क्योंकि वे उन्हें बहुत सम्मान करते थे। फिर उन्होंने देखा कि जब दीवान साहब नहीं मान रहे तो उन्हें एक जिम्मेवारी दी कि भाई आप ही अपने जैसा एक योग्य दीवान को खोज कर दीजिए। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजन सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हृष्टपुष्ट होना आवश्यक है। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार का देखभाल की जाएगी। जो महाशय इस परीक्षा में खड़े उतरेंगे वही इस उच्च पद पर शोभित होंगे। अगला दिन न्यूज़पेपर में छप गया कि एक दीवान की जरूरत है देवगढ़ को, जिनको अजमाना है अजमाए, इसके लिए कोई पढ़ाई की सीमा नहीं है, लेकिन शरीर की बनावट हटा कट्टा होना चाहिए। एक महीने तक उनके आचार विचार पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगा। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऊंचा पद और किसी प्रकार का कैद नहीं, केवल गणेशिव का खेल था। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग रखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों का भी अपने अपने भाग की परीक्षा करने का अवसर मिला। सरदार सुजय सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपने बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता। मिस्टर और 9 बजे तक सोया करते थे, पर आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बॉ को हुक्का पीने का लत था, परंतु आजकल बहुत ही रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर स द च उनके घरों में नौकरों की नाकों में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर किसी नौकर से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नाचते थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को भी पदच्युत होने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर लॉ को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे, जिससे बात की जो वहीं नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। यानी एक महीने तक सभी अपने अपने व्यवहार को चेंज कर लिए। जो लोग लेट तक सोकर उठते थे वे भी सुबह उठने लगे।
जो लोग नौकरों से एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं खुद पीते थे, खुद नौकरों से मंगाते थे, वे आजकल अपना काम करने लगे। जो लोग कभी भगवान को पूजते नहीं थे वे बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति बन गए। जो कभी किताब पढ़ते नहीं थे वे भी पढ़ने लगे। क्यों भाई? एक महीना का तो झमेला है। एक महीना बीता, नौकरी मिल गया, तब तो राम राज्योत्सव मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य में वह बूढ़ा जोड़ी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था। बूढ़ा जोड़ी कौन था? दीवान साहब, ठीक है, सरदार सुजान सिंह। इन बगलों में हंस कहाँ छिपाए? एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आसपास में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे खिलाड़ियों ने पेश किया। वह तो भी हॉकी विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखे? संभव है कि कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, दौड़ धूप के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। चलिए तय हो गया, कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गई और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। सियासत के दिगड़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पाता कोई लहर बढ़ती चली जाती है, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी से बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यहीं धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। हाँपते हाँपते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से ज़रा दूर हल्का एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में चलकर आना जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। वो अपने दो बैलों के साथ जोर लगाकर गाड़ी को नाले से बाहर निकालने की कोशिश करता था। कुछ ही तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी थी कि गाड़ी फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था, वही वृद्धि में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते जामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ समी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी ने मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर बंद आंखों से। उसमें सहानुभूति का नाम न था, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लगी थी। लंगड़ाता हुआ वह धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, वो ठिठक गया। किसान को देखते ही सब बात याद हो गई। हॉकी स्टिक किनारे पर रख दी, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ? किसान ने देखा कि एक गट्ठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। हजू मैं आपसे कैसे कहूँ? योग ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैठो, बैल को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी पर जाती है। किसान गाड़ी पर आकर बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर खिसकाया। खींचा बहुत ज़्यादा था, घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया तो किसान ने बैलों को लड़कारा, बैलों को सहारा मिला, उसकी हिम्मत बंद गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया गया, बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार दिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। यानी वो किसान और कोई नहीं था, सुजाना सिंह ही था। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजाना सिंह तो नहीं? आवाज़ मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी हुई है। किसान ने भी उसकी ओर तीर दृष्टि से देखा, शायद वह उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्का कबला गड़े पानी में बैठने से पहले ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुँचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया, प्रत्येक चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया।
सर के रईस, धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी, दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे सजाज कर दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सुजान सिंह, सरदार सुजाना सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी की उम्मीदवार महाशय, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वहीं जो उदार हो, आत्मबल वहीं जो विपत्ति के पिता के साथ सामना करे। और इस रियासत के स्वभाव से हमको एक ऐसा पुरुष मिल गया है, ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं और जो हैं विकृति और मान के सिखा बैठे हुए हैं। पंडित जगन्नाथ सात दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी हो और इसने पंडित जानकीनाथ की तब देखा और उम्मीदवार की दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, मगर इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी, जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी गाड़ी दलदल से निकाल कर नारे से ऊपर चढ़ाया, उसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म कभी नहीं हटेगा। बच्चों, इसका क्वेश्चन ऐसे कर लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है। यानी किसी को सताना नहीं चाहिए, सभी को प्यार से, ये नहीं देखना चाहिए कि कौन गरीब है कौन अमीर है, हम में सभी के ऊपर दया दृष्टि रखनी चाहिए। ओके बच्चों, बाय।